विदेश जाने से पहले कौन से ऐसे काम हैं जिसे पूरा कर लेना चाहिए? सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके फिनोवेट में स्वागत है। जब भी विदेश जाने का बात आती है तो एक अलग ही एक्साइटमेंट मन में होता है, कारण चाहे कुछ भी हो, एज ए स्टूडेंट हो, चाहे अपने घूमने जाने की बात हो, चाहे सेटल होने की बात हो, चाहे अपनी नौकरी की बात हो, जितना मन में उमंगे जमती है वैसे ही वहाँ जाने के पहले हजारों काम ऐसे होते हैं जिसको निपटा के अपने को जाने चाहिए, क्यों ये सारे काम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी है और थकाने वाले भी है। यहाँ कुछ ऐसे मनी मैटर्स हैं जिनको आदमी को कंप्लीट कर ही जाना चाहिए, क्यों कि अपने बाद में बहुत तकलीफ में भी आ सकते हैं या उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर आप बाहर में सेटल होने के लिए अगर जा रहे हैं विदेश में, तो अपनी जो यहाँ की प्रॉपर्टी है उसको बेच कर ही जाना चाहिए। और अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं 2-4 सालों के लिए, उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज अपने ऐसे मुख्य 7 कामों की बात करेंगे जिनको अपने को जरूर पूरा करना चाहिए। उसमें सबसे पहला जो काम है वो है टू ओपन एन NRO, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये ऐसा अकाउंट है जो कि आप नए तरीके से भी खोल सकते हैं, नहीं तो आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। NRO अकाउंट में जो पैसा रहता है वो इंडियन रूपी करेंसी में रहता है। इसको आप अपने जब विदेश में रहेंगे तो डेबिट कार्ड से हो, नेट बैंकिंग से हो या UPI से कोई भी पेमेंट आपका ड्यू है तो इंडिया में पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा काम है टू ओपन एन NRE, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। और ये वाला जो अकाउंट है आप एक इंडियन सिटीजन के साथ भी जॉइंट में खोल सकते हैं। इस NRE अकाउंट में आप जो फॉरेन के अंदर फॉरेन करेंसी में जो अर्निंग करते हैं वो इसमें जमा कर सकते हैं, और इसमें जो जमा पूंजी है वो आप बिना लिमिट के रिप्रेटेबल है, कन्वर्टेबल इन इंडियन रुपीज। इस अकाउंट से आप कभी भी इंडियन रुपीज की करेंसी में रुपया विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी चीज है वो है आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। अगर आप ये अकाउंट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको बैंक डिटेल जो है वो नया जो NRO अकाउंट है उस बैंक की डिटेल देनी है, और आपकी KYC डिटेल भी आपको अपडेट करनी है। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड NRI अकाउंट का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो NRI इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। अगर आपके पास वो AMC के अगर म्यूचुअल फंड हैं तो उनको रिडीम कर लेना चाहिए। चौथा है क्रेडिट कार्ड एंड आपका जो एग्जिस्टिंग लोन है, ये एडवाइजेबल है कि आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड है उन सबको सरेंडर कर देना चाहिए, क्यों कि फॉरेक्स या मार्कअप जो रेट है वो चार्जेस बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको वो क्रेडिट कार्ड होल्ड करना है तो उसके अंदर आप जो अकाउंट है उसको NRO अकाउंट के साथ में लिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे खर्च जो है वहाँ जाने के बाद भी इंडियन रुपीज में इंडिया में अगर आपको करना है तो उसको आप ऑटो डेबिट के अंदर कर सकते हैं। दूसरा, यही सेम सिस्टम लोन के ऊपर भी अप्लीकेबल है, क्लोज कर देना चाहिए, नहीं तो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में जारी रखना है, ये आपकी इच्छा की बात। पांचवा पॉइंट है इंश्योरेंस नीड्स। दोस्तों, व्हेन यू आर मूविंग आउट तो ऑटो इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस की आपको आवश्यकता नहीं है, तो इनको आपको क्लोज कर देना चाहिए, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की जो रिस्क है या होम इंश्योरेंस है उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, और इन दोनों का जो पेमेंट है प्रीमियम का उसको ऑटो डेबिट में लगा देना चाहिए। और अगर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उसको तो जरूर ही कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड अक्रॉस ग्लोब अप्लीकेबल है। छठा है EPF इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इसको आप क्लोज कर सकते हैं, आप अपना वीजा और अपॉइंटमेंट लेटर जो है वहाँ पर जमा करके और ये रुपया जो है अपना उठा सकते हैं। सातवां वो है NPS। दोस्तों, इसमें रेसिडेंट इंडियन और नॉन रेसिडेंट इंडियन के नियमों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक्साइटमेंट के अंदर भूल न जाएं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यवस्थित होके बाहर जाएं।